हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, मैंने देखी टाइम वेस्ट, पैसा वेस्ट और दिमाग खराब कर देने वाली मूवी छत्रपति, जो कि 18 साल पहले प्रभास की फिल्म छत्रपति का रीमेक है। अब अभी तक के मेरे इस आवाज को सुन के आपको लग रहा होगा कि ये मूवी अच्छी ही होगी, क्योंकि मैं कितने प्यार से बोल रहा हूँ, लेकिन यकीन मानो कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किस तरह से खुद को कंट्रोल कर रहा हूँ ये मैं ही जानता हूँ। ये मूवी कोई मूवी नहीं थी, ये सिर्फ एक टाइम पास था, ये एक टाइम वेस्ट था, क्योंकि इस फिल्म की कहानी पहले ही अच्छी लगती थी और इस फिल्म में अभी के हिसाब से कुछ भी नहीं था। 5-6 फालतू गाने थे, ओवर एक्टिंग की दुकान थी ये पूरी की पूरी फिल्म, क्योंकि यहाँ हीरो से लेके हीरोइन तक, विलन से लेके सब कुछ, एक आध एक्टर को छोड़कर सारे के सारे ओवर एक्टिंग ही करने आए थे। मुझे जब ये फिल्म स्टार्ट हुई तो करीब 1 घंटे के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये फिल्म और नहीं देखनी चाहिए, इससे मेरा हेल्थ खराब हो सकता है। मैं फिल्म को देख रहा था या मेरा प्रेशर बढ़ रहा, क्योंकि उधर ओवर एक्ट, जहाँ देखो वहाँ ओवर एक्टिंग, मतलब इतना, बस उसमें क्या दिखा रहा है, मारपीट, वही फालतू सीक्वेंस, लाइक हीरो का 1 लाख में गाड़ी उड़ा देना, वो मतलब यूजलेस। अगर आप भी ये मानते हो कि शौक बड़ी चीज़ है, और अगर आपके भी शौक कुछ ऐसे हैं कि आपको शौक है बिना लॉजिक के फिल्म को देखना, वाहियत ओवर एक्टिंग फिल्म को भी देख लें, चाहे फिल्म कितनी भी बुरी हो, कितनी भी वेस्ट हो, आप फिर भी उस फिल्म को झेल सकते हो। अगर आपका ये शौक है तो आप बेशक इस फिल्म को जाकर देख सकते हो। फिर बाद में मुझे मत कहना कि फिल्म अच्छी नहीं थी वगैरह, मैं बोल रहा हूँ कि आपके कान से खून और नाक से क्या निकलेगा मुझे नहीं पता। भाई मेरी तो मजबूरी थी, मैं छोड़ के नहीं आ सकता था, पापी पेट का सवाल है, क्योंकि मुझे रिव्यू करना था। बट आपकी कौन सी मजबूरी है, सामने में केरला स्टोरी लगी होगी, वो देखने चल जाओ भाई, दोबारा देख लो, वो ज़्यादा अच्छा। दोबारा देख कर भी आप वो बोर नहीं होगे जितना इस फिल्म को पहली बार देख के आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, क्योंकि इस फिल्म में फ्रस्ट्रेशन के अलावा और कुछ नहीं है। हीरो, आप जब हीरो को देखते हो तो ओवर एक्टिंग कर रहा है, जब हीरोइन को देखते हो वो तो मतलब बस ब्रह्मास्त्र की आलिया भट्ट की जैसे शिवा 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 कर रहा है। कहानी वही 90s की है, जो प्रभास के रहते हमें अच्छी भी लगी थी, बट इस हीरो के साथ मतलब रहने दो यार। और साउथ हीरोज को तो मैं बस एक ही बात कहना चाहूँगा, यस यार महेश बाबू के जैसे बनो यार। मतलब आप लोग सोचते हो कि बॉलीवुड में जाकर काम करूंगा, फेमस हो जाऊँ, कुछ नहीं होता, आप लोग वहीं रहो, आप लोगों के लेवल का यहाँ डायरेक्शन नहीं है, क्यों वहाँ से यहाँ आकर अपना करियर बर्बाद करने पे लगे हो। सामने पे एग्जांपल था यार, लाइगर देख लो, लाइगर मूवी में मतलब पूरी इमेज डाउन कर दी, मतलब ओवर एक्टिंग करवा के। अब एक हीरो कितना ही अपना बेस्ट देगा और उसके बल पर ये फिल्म कितनी ही कमा लेगी। ना डायरेक्शन अच्छा है, ना एक्टिंग अच्छी है, मतलब कुछ भी नहीं है। बस एक ही चीज़ अच्छी हुई कि ये मूवी जल्दी ख़त्म हो गई, और जब इस फिल्म को देख कर मैं बाहर आया तो मेरा हाल कुछ ऐसा था। खैर, ओवरऑल आप लोग मेरी बात तो मानोगे नहीं, तो जाओ जाके खुद देख लो, बच गए तो आके कमेंट करना कैसी लगी फिल्म। मैं चला डॉक्टर के पास, क्योंकि मेरा मानसिक संतुलन हिल गया है रे बाबा।